तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? बस ठीक ठाक। और तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? काम सही भी है और लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया। क्यों? बहन की शादी के लिए कुछ चाहिए होगा ना, और सोच रहा हूँ गांव वाली जमीन भी यार बेची देता हूँ। क्या करें, बाबूजी तो रहे नहीं अब। नीडी ऐसी है, सामने वाले की डिमांड जो बढ़ गई इतनी, क्या करें, करना तो पड़ेगा। तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। अरे कैसे टेंशन ना लूं? अरे तू अपने भाई के रहते टेंशन क्यों ले रहा है यार? तू टेंशन ना ले, मैं सब कर दूंगा। बस कुछ अर्जेंट काम आ गया है। नाश्ता तो करता जा, सुन तो सही। आ रहा हूं थोड़ी देर में। अजीब लड़का है यार। दिवाली मुंबई याद रखेगी। राका, बोला था ना दरवाजा बंद रखा कर, याद है ना तुम लोगों को? इस बार दिवाली का सबसे बड़ा धमाका मुंबई। होश में आ गया भाई।
क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? अरे बोलना, अरे क्यों चुना तूने गलत रास्ता? क्या प्लान चल रहा है यहाँ पे? क्या क्या बता, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? मुंबई। क्या 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 मुंबई में ऐसे क्या करने वाले? बोलो बोल बोल। दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन क्या? बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कोई नहीं बचेगा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ बता, भूल गया? भूल गया बाबूजी हमसे क्या कहा करते थे? अरे जो देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, और तू उन मासूम बच्चों की जान लेने चला था। लेकिन मैं अपने बाबूजी का नाम यूं बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं अपने परिवार पे लगे इस कलंक को मिटा के रहूंगा। बहुत गलत किया भाई तू, बहुत गलत भाई, मुझे माफ करना। माफ करना भाई, मानता हूं कि लाइफ में रिश्तों का होना बहुत मायने रखता है, पर देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, हम और आप भी नहीं।